गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो एवरीवन टेक आउट योर उर्दू कायदा। आज हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे उर्दू कायदा में? ज़ुआद। आज है दिन बुध और आज की तारीख है 9 दिसंबर 2020 और आज दिन है बुध। आज हम पढ़ेंगे उर्दू कायदा। आज हम पढ़ेंगे हर्फ उर्दू कायदा में ज़ुआद। स्वाद के बाद क्या आता है? ज़ुआद। स्वाद के बाद हर्फ कौन सा आता है? ज़ुआद। सब बच्चे अपना हर्फ ज़ुआद खोलिए। ज़ुआद में कितने नुक्ते होते हैं? एक। ज़ुआद में कितने नुक्ते होते हैं? एक। आज हम कौन सा हर्फ पढ़ेंगे? ज़ुआद का। आज हम कौन सा हर्फ पढ़ेंगे? ज़ुआद। ज़ुआद में कितने नुक्ते होते हैं? एक। ज़ुआद में कितने नुक्ते होते हैं? एक। चले सब बच्चे किताब पे देखिए कि ज़ुआद से क्या बनता है। ज़ुआद से क्या बनता है? ज़ुआद ज़ैर। ज़ुआद ज़ैर। ज़ुआद ज़ैर। और ज़ैर किसको बोलते हैं? जैसे हमारे घर में हमारे दादा अबू होते हैं ना, जब वो पहले तो वो जवान होते हैं, फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो जो इंसान यानी कि बूढ़ा होने लगता है, ठीक है ना, जो उनसे बड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे उनको हम बोलेंगे ज़ैर। ठीक है, क्या बोलेंगे? ज़ैर। जैसे आपके घर में आपके दादा जान है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, उनको ज़ैफ़ हो गए होते हैं ना, उनकी दाढ़ी वगैरह वाइट हो गई होती है, उनके बाल, तो उनको हम बोलेंगे ज़ैफ़। अब दादाजान नीचे क्या कह रहे हैं? हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। दादाजान क्या कह रहे हैं? ज़ैफ़ अंकल कह रहे हैं हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। ज़ुआद ज़ैफ़। सब बच्चे अपनी किताब के आखिर में ज़ुआद की कहानी खोलिए। आप देखेंगे ये वाली ज़ुआद से की कहानी में कौन कौन सा हर्फ आता है जो ज़ुआद से बनता है। ठीक है, ज़मीर को अपने दादा जान, देखे ज़मीर ज़ुआद से बनता है। ज़मीर को अपने दादा जान और दादी जान बहुत अच्छे लगते हैं। वो दोनों ज़मीर से बहुत प्यार करते हैं और ज़मीर को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ज़मीर भी इनका बहुत ख्याल रखता है, उसे उनका इनका कोई भी काम करके बहुत खुशी होती है। वो जब सो रहे हों तो ज़मीर अपने दोस्तों को बिल्कुल शोर नहीं करने देता ताकि इनकी नींद में खलल ना आए। खलल का मतलब ताकि इनकी नींद ख़राब ना हो। दादा जान बहुत ज़ैफ़ हैं। ज़ैफ़ भी, अब देखिए मैंने आपको बताया ना ज़ुआद से बनता है। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और तो इन्हें लाठी से सहारा लेकर चलना पड़ता है। वो बूढ़े हो गए हैं ना, तो उसे ठीक से चला नहीं चाहता, तो इनके पास एक लाठी है, देखिए जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, उसकी मदद से वो चलते हैं। एक दिन इन्हें अपनी लाठी मिल नहीं रही थी तो ज़मीर ने कहा, दादा जान चलिए मैं आपको मस्जिद तक ले जाता हूँ। ज़मीर ने अपने दादा जान का हाथ अपने कंधे पर रखा और इन्हें मस्जिद ले गया। दादा जान ने ज़मीर को बहुत दुआएं दी। देखें उससे अपने दादा बू की मदद किया ना, उनकी लाठी नहीं थी मिल रही, तो उसे अपने दादा जान को बोला कि दादा जान आप परेशान ना हो, आज मैं आपका हाथ पकड़ के आपको मस्जिद तक ले जाऊंगा। ठीक है, वो अपना दादा का हाथ पकड़ के मस्जिद तक ले गया। उसके दादा जान उससे बहुत खुश हुए। क्या हुए उसे? बहुत खुश हुए। ठीक है, स्वाद के बाद कौन सा हर्फ आता है? ज़ुआद। ज़ुआद के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक। ज़ुआद की आवाज क्या होती है? ज़ुआद ज। ज़ुआद ज। ज़ुआद ज। ज़ुआद ज। ज़ुआद ज। आज हमने कौन सा हर्फ पढ़ा? ज़ुआद। सब बच्चों ने इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है।
ये मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सब रखिएगा और हर ज़ुआद की पढ़ाई आपने अच्छे से करनी है, ठीक है? ज़ुआद ज़ेर, तब तक के लिए इतना ही काफी है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।